पल्स एवं अन्य फाइनेंस कंपनियों के झांसे में आकर अपनी जमा पूंजी गंवाने वाले मासूम निवेशक अपना पैसा वापस मिलने की उम्मीद में मुरादाबाद कलेक्ट्रेट के मुशायरा ग्राउंड में अपने फॉर्म जमा कर रहे हैं। इसके लिए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने फॉर्म जमा करने के लिए 10 काउंटरों की व्यवस्था कर रखी है। जिलाधिकारी की अतिरिक्त व्यवस्था करने के बाद कम होने वाली नाम नहीं ले रही है। कलेक्ट्रेट में प्रतिदिन हजारों की संख्या में पहुंचकर लोग अपने फॉर्म जमा कर रहे हैं। अब तक लगभग 30,000 फॉर्म जमा हो चुके हैं। फॉर्म जमा करने वाले निवेशकों को फॉर्म जमा करने के बाद उन्हें कोई स्लिप भी नहीं दी जा रही है, जिसके चलते निवेशक इसे शासन का झूठा आश्वासन भी मान रहे हैं। फाइनेंस कंपनियों के झांसे में आकर अपनी रकम गंवाने वाले निवेशकों की संख्या कितनी है, इसका अंदाजा अभी किसी को भी नहीं। कंपनियां से डिफॉल्टर होने के बाद फरार हो चुकी हैं। निवेशक परेशान है कि वो अपना पैसा वापस लाने के लिए जाएं तो आखिर कहां जाएं। एजेंट ने यह कहकर अपना पलड़ा झाड़ लिया कि वह तो कंपनी में बतौर एजेंट काम कर रहे थे और कंपनी उसके बस में उन्हें कमीशन दे दी थी। अब अगर कंपनी पैसा लेकर फरार हो गई है तो हम इसमें क्या करें। मंडईयो क्या किस लिए पहुंचें दी आप आज कलेक्ट्रेट? पल्स में पैसे डाले थे। जी जी, कब के डाले हुए थे? अरे बहुत जमाना हो गया, बहुत दिन हो गए। आपने फॉर्म जमा कर दिया? हाँ। आपको कोई स्लिप दी? कुछ नहीं। फिर कैसे उम्मीद करेंगे कि पैसा वापस? उम्मीद ये करेंगे सब लोग, देखो भरोसा है, मिल सकते हैं। नहीं, आपको कोई सबूत नहीं दे रहा है तो कैसे विश्वास करेंगे? जब जब से ऐसी है तो अब भी ऐसी कर लो, क्या करें, देख रहे हैं भरोसा करके। मित्रपाल जी कहाँ के रहने वाले? सर विलेज से हल पोस्ट लाल वाला डिस्ट्रिक्ट मोरादाबाद। आज कहाँ पहुँचे हैं? आज मैं DM कार्यालय आया हूँ। किस लिए पहुँचे हैं आप? क्या सर पल्स की ये हमने पॉलिसी कराई थी सर, और ये पल्स कंपनी भाग गई सर, और हमारा पैसा सर जो है लेके भी चली गई यहाँ से। लगभग कितना पैसा था आपका? हमारा लगभग 30,000 रुपये है सर। अच्छा, आज आए हैं तो आज क्या कहा प्रशासन द्वारा, क्या कहा गया है? जी हम इसी उद्देश्य से आए हैं कि हमारा पैसा मिल जाए बस जल्द से जल्द। क्या आश्वासन दे रहा है आपको? आश्वासन ये मिल रहा है कि ये फॉर्म जमा करने के बाद अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अच्छा, इन लोगों को आपको कोई स्लिप दे रहा है? ये स्लिप वगैरह सर अभी तो हम लाइन में लगे हुए हैं, अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी नंबर नहीं आया बीच लाइन में। प्रशासनिक अधिकारी UP प्रेस्ट, मेरे साथ अरविंद वर्मा जी हैं, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं। PACL और उसकी सहायक कंपनियाँ जो डिफॉल्ट कर गई हैं, और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार एक समिति बनी हुई है, जिसमें समिति ये जानना चाहती है कि पूरे भारतवर्ष में कितने ऐसे विनिवेशकर्ता हैं जिन्होंने पैसा विनिवेश किया हुआ है और जिनको पैसा वापस नहीं मिला है, तो ये वो समिति जानना चाहती है। और हर जिले से इस प्रकार से ये एप्लीकेशंस वगैरह इकट्ठी की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें इनिशिएटिव लिया है, और उत्तर प्रदेश के जो रहने वाले हैं अगर उन्होंने बॉन्ड लिया हुआ है तो अपने अपने ज़िले में वो बॉन्ड जमा करवाएं, ताकि ये बात उस समिति के समक्ष पहुँचाई जा सके कि इतने हज़ार लोगों के बॉन्ड मुरादाबाद में इतने लाख रुपये के हैं। कितने जमा हो चुके हैं? कल तक लगभग 20,000 जमा हो चुके थे। आज उम्मीद है, आज भीड़ बहुत है, मैं समझता हूँ 8,000 से 10,000 के बीच में आज आ जाए। लगता है आगे भी जारी रहेगी? ये जारी रहेगा। कब तक का आश्वासन? कुछ नहीं मालूम, जब तक एक एक आदमी नहीं भर जमा करा देता हम लेते हैं, हर एक आदमी का। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।